प्रधानमंत्री मोदी का पैगाम, योगी जी का काम बीजेपी के हक में दिलाएगा परिणाम 2022 में। आप देखिए, आज से पहले उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता था तो क्या डिस्कशन होता था? डिस्कशन होता था कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, कितने प्रतिशत हिंदू हैं, कितने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, कितने प्रतिशत जाट हैं। मगर आज डिस्कशन होता है डेवलपमेंट क्या हुआ है, कानून की परिस्थिति कैसी है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स का रूल होता था, आज वहां कानून की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आप देखिए, कोरोना को लेकर जिस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या के लगभग बराबर है। वैसे में जिस प्रकार से यह मैनेजमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आज से चार दिन पहले कहा कि काश हमारे पास योगी जी होते तो ऑस्ट्रेलिया को भी इस मैनेजमेंट में बहुत सहायता मिल जाती है। अगर ये कह रहे हैं योगी मॉडल चलेगा, तो वैसे आप जानते हो सरकार तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2022 में गई। विकासवाद की बात करते हैं, विकासवाद नहीं, यहां सांप्रदायिकतावाद चला रहे हैं। जहां तक इन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एमपी इनकी तारीफ कर रहे, तो मैं कह रहा हूँ आपके एमपी और आपके सांसद विधायक आपकी बुराई कर रहे थे कोविड काल में, तो आपको जरूरत पड़ रही है बाहर के सांसदों से तारीफ करवाने के लिए। इतने बुरे दिन आपके आगे कि आपके सांसद आपकी बुराई करते हैं। पहले कहते थे कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या, कानून व्यवस्था की यहाँ पे जंगल राज चला है, सरेआम महिलाओं का चीरहरण होता है, यहाँ पे किस तरह दुशासन और दुष्यंत पैदा हो गए, किस तरह से यहाँ पे आपने देखा किस तरह से चीरहरण और किस तरह गोली बारूद चलती है, पुलिस वाले को दिन दहाड़े थप्पड़ मारा जाता है, पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है। ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आजकल जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनाव क्षेत्र वाराणसी को चुना था तो उसके पीछे सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र या सुरक्षित चुनाव क्षेत्र चुना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारतीयता से अपने आप को जोड़ करके भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने का संकेत दिया था। आज अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं कि चीरहरण होता है, ये एक आधी खबर है। पूरी खबर यह है कि जिसने भी किया वो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो गया, जिनके ऊपर आरोप थे वो गिरफ्तार हुए, और जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशीलता दिखाई गई। असलियत ये है। क्या ये चुनावी रणभेरी है, क्या ये उद्घाटन दौरा माना जाए, इस पर हमने बीते दिन भी बहस की थी। लेकिन आज जो टोन था पीएम का, उसमें वो समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए नजर आए, यानी ये चुनावी प्रचार का हिस्सा बन गया उनका ये बनारस दौरा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की उनको चिंता है, लेकिन बनारस उनके दिल में बसता है, और एक सांसद होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको भी बड़ी बखूबी से वो पूरा कर रहे हैं। और इनके हिसाब से तो देखिए, अगर चुनाव एक साल डेढ़ साल दूर भी हो तो आप काम करना बंद कर दीजिए। जो हम पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने का लकवा कांग्रेस में मारा हुआ था या समाजवादी पार्टी में, वो चाहते हैं ये मॉडल भाजपा भी अपनाए, जो हम अपनाने के लिए तैयार नहीं है। काशी के सांसद उत्तर प्रदेश में आके शिव की नगरी में आकर सत्य नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। क्या वो हाथरस भूल जाते हैं? क्या वो चीरहरण जो अभी एक हफ्ते भर पहले हुआ है वो भूल जाते हैं? मोदी जी ने कहा कोरोना का बड़ा जबरदस्त प्रबंधन हुआ है। दिस इज केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। आपके कुप्रबंधन के चलते तो लोगों की जाने गई गई। उत्तर प्रदेश में जो भयानक मौत का मंजर देखा गया, वो गंगा के आंचल में तैरती लाशों में हमने देखा। आप तो गंगा पुत्र अपने आप को कहते थे। आपने काशी से लेकर कहा तक लाशें तैरती हुई दिखी, बलिया तक लाशें तैर रही थी, आपने उस पर नहीं बोला। आपने उल्टे कह दिया बड़ा जबरदस्त प्रबंधन हुआ। क्या जबरदस्त प्रबंधन था? कि सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते थे कि मैं एनएसए लगा दूंगा, ऑक्सीजन की बात करी, मैं प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। अंजना जी, जो सबसे बड़े दुख का बात है, मैं उस बनारस शहर से पढ़ा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन वहां से हुई है। हाँ। और मुझे उम्मीद था कि 7 साल बाद जब दूसरी बार प्रधानमंत्री जी इतने लंबे गैप के, हालांकि वो एक पेंडेमिक है उसके, उससे शिकायत नहीं है कि क्यों इतने देर बाद आए, तो स्मार्ट सिटी में बुलेट ट्रेन पर बैठ कर आएंगे। नहीं आते तो कम से कम एक बेसिक काम जरूर करना चाहिए था। अंजना जी, आज उन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी या विपक्ष को झूठ नहीं बोला है, आप मीडिया वालों को भी झूठ बोला है, और इस मायने में बोला है कि बनारस में जो लाशें तैर रही थी और मेरे गांव बलिया होकर वही गंगा नदी आपके गांव तक भी जाती है, बक्सर होते हुए हर जगह जो लाशें तैर रही थी उसको उन्होंने झूठ बोला। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे ना, तो आपका जो 56 इंच वाला डायलॉग फेमस हुआ था, नेताजी 56 इंच का डायलॉग सीना चाहिए 24 घंटा बिजली देने के लिए, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कहीं 56 इंच का अभी तक 24 घंटा बिजली नहीं मिलता है।
आजादी के 75 साल बाद भी केंद्र सरकार अंग्रेजों के बनाए राजद्रोह कानून को क्यों बनाए रखना चाहती है, यह सवाल किसी के भी मन में उठ सकता है। आज ये सवाल देश के चीफ जस्टिस एमवी रमन्ना ने केंद्र सरकार से पूछा है और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 150 साल पुराने राजद्रोह के कानून यानी आईपीसी के सेक्शन 124A की वैधानिकता पर सुनवाई करने वाला है। जब देश के चीफ जस्टिस खुद किसी कानून पर सवाल उठाएं तो कानून में कुछ तो ऐसा होगा जो संविधान के खिलाफ जाता होगा। राजद्रोह कानून यानी 124A में ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी बातें जिनको आधार बनाकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। याचिका में इस कानून को मुख्य तौर पर तीन चुनौतियां दी गई। पहली ये कि धारा 124A के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता अस्पष्ट है। राजद्रोह कानून बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ अनुचित प्रतिबंध है और ये प्रावधान किसी अभिव्यक्ति को आपराधिक कृत्य बताकर राजद्रोह मान सकता है। आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट तक को इसे लेकर चिंता जतानी पड़ गई और आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से सरकार इस कानून को खत्म करने के लिए राजी नहीं। इसके लिए पहले आपको राजद्रोह कानून की परिभाषा और सजा का प्रावधान बता देते हैं। धारा 124A के अनुसार जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या किसी और तरह से सरकार की अवमानना, घृणा या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने की कोशिश करता है, तो वो राजद्रोह का आरोपी है और राजद्रोह यानी धारा 124A एक गैर जमानती अपराध है और इसमें सजा 3 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माना है। राजद्रोह के कानून की परिभाषा काफी अस्पष्ट है। इसकी वजह इस कानून का 150 वर्ष पुराना होना भी है, जिसे अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से लागू किया था।